नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ यूथ खड़ा है, इनसे जानते हैं उस खबरों की सच्चाई जो आप तक पहुंचाई थी। मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया था बाबा राम रीम जी के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए। आज उन न्यूज़ की, उन खबरों की सच्चाई जानने के लिए हम डायरेक्ट लोगों से जुड़ रहे हैं। मैम, आपका मैम? प्राची वाटी, प्राचीन साहब। कहाँ से हो आप? सफियाबाद लोटी, ब्लॉक मेरा किठोर लगता है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? M.Com। वेल एजुकेटेड हो आप। आपका क्या कहना है, जो डेरा सच्चा सौदा है, बाबा राम रहीम जी हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, बुराइयां तो बढ़ती जा रही हैं, जब से पिताजी नहीं है बुराइयां भी बढ़ती जा रही हैं। और जो भी मतलब यहाँ पे गंदी सोच, हर किसी इंसान की इतनी सोच बढ़ गई है गंदी कि पिताजी नहीं है, सात बच्चों का मार्गदर्शन रुक गया। सभी ये सोच रहे हैं कि हमारा मोटिवेशन कैसे मिले। पिताजी थे तो मोटिवेशन मिल पाता था हमारा। हम बच्चों का भी ये था कि हम अच्छी चीज़ें सीख के जाते थे, हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने कुछ अच्छा सीख के जाते थे कि पिताजी आएंगे, कुछ अच्छा बताएंगे, हम वो फॉलो करेंगे। मीडिया ने जो इतना कुछ दिखाया बाबा राम रीम जी के बारे में, क्या है वो? तो सब झूठ, फरेब, अंधविश्वास वाली बात है। ऐसे तो सब लोग बेवकूफ़ माने जाते हैं। डेरे में 6 लाख लोग आ रहे हैं, ऐसे क्या सब बेवकूफ़ हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हर कोई अपने उससे आ रहा है, अपनी सोच से आ रहा है, कुछ तो सोच समझ के आ रहा होगा डेरे में कि हाँ हम कुछ सीख के आएंगे, कुछ नया सीखेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी हमें। हर कोई बेवकूफ़ नहीं होता, वो अपनी अपनी सोच है, डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। हम अच्छा सोचते हैं, हमें अच्छा मिलता है उसके लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ से बहुत अच्छा कुछ भी सीख के जाते हैं और हम उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। यूथ के लिए, बेटियों के लिए गुरु जी ने क्या किया? गुरु जी ने यूथ के लिए, बच्चों के लिए तो देखो सब कुछ ही किया है। इतने सारे वीडियोस भी दिए हैं, पढ़ाई के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस दिए हैं जो हम देख भी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं देख रहे, तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या किया है यूथ के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना विचार हमारे साथ रखे कि डेरा सच्चा सौदा में लड़कियाँ कितनी सेफ है। मीडिया ने झूठ दिखाया है इनके अकॉर्डिंग। और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम के साथ।